आज से शुरू हो गया है शक्ति की आराधना और पूजा का पर्व नवरात्र। 9 दिनों तक भक्त माँ की भक्ति में पूरी तरह से डूबकर उनकी पूजा करेंगे और पाएंगे उनका आशीर्वाद। माँ में सभी शक्तियाँ समाई हुई हैं और नवरात्र मौका देते हैं माँ से उन शक्तियों का आशीर्वाद पाकर जीवन को खुशहाल बनाने का और उनसे आशीर्वाद पाने का। आपको बता दें, पहले नवरात्र के दिन पूजा होती है माँ की शैलपुत्री रूप की। आज देश भर में मंदिरों में की जा रही है माँ के शैलपुत्री रूप की आराधना। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक तस्वीरें हैं वैष्णो देवी के दरबार से और दूसरी तस्वीरें हैं दिल्ली के मशहूर झंडे वाला मंदिर से। वैष्णो देवी में खासतौर से नवरात्र के मौके पर माँ का दरबार सजता है, वहाँ पर जागरण होता है और इस वजह से दिल्ली के जो बड़े मंदिर हैं उनमें भी, चाहे वो छतरपुर का मंदिर हो, झंडे वाला मंदिर हो या फिर देश के दूसरे हिस्सों में माता के मंदिर हो, वहाँ पर भी रौनक और भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। नवरात्र के दिन माँ के शैलपुत्री रूप की आराधना होती है और माँ का जो शैलपुत्री रूप है वो मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि माँ के शैलपुत्री रूप की आराधना से भक्तों की तमाम मनोकामना जो है वो पूरी होती है, तमाम मुरादें जो है वो पूरी होती है। आप देख सकते हैं माँ को खासतौर से इस दिन के लिए सजाया गया है और हर रोज माँ के जो वस्त्र होते हैं, माँ के रूप के अनुरूप उनका रंग जो है वो बदलता रहता है।